दोस्तों, अगर आप जिम जा रहे हैं या जिम जाने की सोच रहे हैं तो जिम जाने से पहले आपके पास वर्कआउट प्लान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार लड़के क्या करते हैं, वो जिम के अंदर एंट्री करते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि आज हमें कौन सी एक्सरसाइज करनी है, आज हम चेस्ट करें, बाइसेप्स करें, लेग्स करें, शोल्डर करें। उन्हें पता ही नहीं होता, क्योंकि उनके पास कोई वर्कआउट प्लान होता ही नहीं। दोस्तों, अगर आपने एक अच्छी बॉडी बनानी है तो आपके पास एक डाइट प्लान और एक वर्कआउट प्लान होना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ फुल वीक मसल साइज गेन वर्कआउट प्लान। अगर आप अपनी बॉडी का साइज तेजी से बढ़ाना चाहते हैं, आप अपने मसल का साइज बढ़ाना चाहते हैं, तो इस वर्कआउट प्लान को 2.5 से 3 महीने तक ज़रूर फॉलो करें। इस वर्कआउट प्लान से आपकी बॉडी का साइज तेजी से बढ़ेगा और आपके हर मसल्स ट्रेन होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वर्कआउट प्लान। इस वर्कआउट प्लान में हम 6 दिन एक्सरसाइज करेंगे और 1 दिन रेस्ट करेंगे, जिसमें मंडे को करेंगे चेस्ट, ट्यूसडे को बैक, वेडनेसडे को एब्स एंड कार्डियो, थर्सडे को आर्म्स मतलब बाइसेप्स ट्राइसेप्स, फ्राइडे को लेग्स और सैटरडे को शोल्डर और संडे को करेंगे रेस्ट। तो फ्रेंड्स, वर्कआउट प्लान बताने से पहले मैं कुछ बातें बताऊंगा। नंबर 1, इस वर्कआउट प्लान में जितनी भी एक्सरसाइज हैं उनके 3 सेट लगाने हैं, जिसके पहले सेट में 10 रेप होंगे, दूसरे सेट में 8 और तीसरे सेट में 6 रेप होंगे। नंबर 2, हर सेट के बाद 1 से 1.5 मिनट का रेस्ट लेना है। नंबर 3, हर सेट में वेट जरूर बढ़ाएं। नंबर 4, वर्कआउट खत्म होने के बाद भी बॉडी की स्ट्रेचिंग जरूर करें। नंबर 5, वर्कआउट के बीच बीच में पानी जरूर पीते रहें। अगर आप BCAA लेते हैं तो BCAA ले जा सकते हैं, नहीं तो पानी में थोड़ा सा नमक और चीनी डाल के लेके जा सकते हैं और वर्कआउट के बीच में सिप सिप करके पी सकते हैं। नंबर 6, वर्कआउट के बीच बीच में भी पोजिंग जरूर देते रहें। नंबर 7, वर्कआउट से 15 से 20 मिनट पहले 1 कप ब्लैक कॉफ़ी जरूर पी के जाएं। नंबर 8, वर्कआउट खत्म होने के बाद 15 से 20 मिनट के अंदर प्रोटीन डाइट जरूर लें। उसके लिए आप 1 स्कूप वे प्रोटीन ले सकते हैं या 5 से 6 एग व्हाइट ले सकते हैं। और लास्ट, वर्कआउट शुरू करने से पहले 5 से 10 मिनट वार्म अप जरूर करें। उसके लिए आप जंपिंग जैक कर सकते हैं, 5 से 7 मिनट नॉर्मल ट्रेडमिल पे वॉक कर सकते हैं। तो चलिए, ये तो हो गई कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अब उसके बाद हम शुरू करेंगे वर्कआउट की बात। इसमें हम मंडे को करेंगे चेस्ट, जिसमें पहली एक्सरसाइज होगी बारबेल बेंच प्रेस। ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी है, कंपाउंड एक्सरसाइज है, इससे पूरी बॉडी की ताकत बढ़ती है, इसे कभी भी मिस न करें। ये चेस्ट के मिडिल पार्ट के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज नंबर 2, इंक्लाइन डंबल प्रेस। इसमें हम डंबल का यूज करेंगे, अपर चेस्ट के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, अपर चेस्ट का साइज तेजी से बढ़ता है। एक्सरसाइज नंबर 3, डिक्लाइन बारबेल प्रेस। ये एक्सरसाइज भी बहुत अच्छी है, लोअर चेस्ट का साइज तेजी से बढ़ता है। एक्सरसाइज नंबर 4, फ्लैट बेंच डंबल फ्राई। इस एक्सरसाइज से चेस्ट तेजी से चौड़ी बनती है। एक्सरसाइज नंबर 5, बटरफ्लाई। ये एक्सरसाइज इनर चेस्ट के लिए बहुत अच्छी है, इस एक्सरसाइज से भी चेस्ट चौड़ी बनती है। एक्सरसाइज नंबर 6, पैरेलल बार डिप्स। दोस्तों, बॉडी वेट एक्सरसाइज बहुत अच्छी होती है, उसे कभी भी मिस ना करें। आप डेली 1 नई बॉडी वेट एक्सरसाइज जरूर करें। इस एक्सरसाइज से लोअर चेस्ट शेप में आती है। तो इसी के साथ चेस्ट का वर्कआउट कंप्लीट हुआ। अब ट्यूसडे को करेंगे बैक वर्कआउट। एक्सरसाइज नंबर 1, पुलअप। ये एक्सरसाइज पूरी बैक के लिए बहुत अच्छी है, इससे बैक तेजी से चौड़ी बनती है, लैट्स मसल्स ट्रेन होते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2, वाइड ग्रिप लैट पुल डाउन। इस बार को वाइड ग्रिप पकड़कर लैट पुल डाउन लगाने हैं। ये एक्सरसाइज लैट्स मसल्स के लिए बहुत अच्छी है, पूरी बैक तेजी से चौड़ी बनती है। एक्सरसाइज नंबर 3, सीटेड केबल रो। ये एक्सरसाइज भी बैक के लिए बहुत अच्छी है, बैक चौड़ी बनती है। इस एक्सरसाइज से लैट्स मसल्स तेजी से बड़े बनते हैं, वह जिस वजह से बैक चौड़ी दिखने लगती है। एक्सरसाइज नंबर 4, रिवर्स ग्रिप लैट पुल डाउन। ये एक्सरसाइज भी लैट्स मसल्स के लिए बहुत अच्छी है। इसमें आपने रिवर्स ग्रिप में पकड़कर इस तरह लैट पुल डाउन लगाना है, इससे भी बैक तेजी से चौड़ी बनती है। एक्सरसाइज नंबर 5, वन आर्म डंबल रो। ये एक्सरसाइज लैट्स मसल्स के लिए बहुत अच्छी है, लैट्स मसल्स तेजी से चौड़े बनते हैं। इसमें भी जब डंबल को नीचे लेके जाएं तो बैक को अपने लैट्स मसल्स को अच्छी तरह स्ट्रेच करें। एक्सरसाइज नंबर 6, हाइपर एक्सटेंशन। ये एक्सरसाइज लोअर बैक के लिए बहुत अच्छी है, लोअर बैक मजबूत बनती है। तो फ्रेंड्स, यहीं पे बैक का वर्कआउट भी कंप्लीट होता है। अब हम आज करेंगे वेडनेसडे को एब्स और कार्डियो की एक्सरसाइज। एक्सरसाइज नंबर 1, क्रंचेज। ये एक्सरसाइज अपर एब्स के लिए बहुत अच्छी है। एक्सरसाइज नंबर 2, लिंग लेग रेज। इस एक्सरसाइज से लोअर एब्स बनते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3, बाइसिकल क्रंचेज। ये एक्सरसाइज ऑब्लिक्स तो तेजी से निकालती है, बाकी पूरे एब्स के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज नंबर 4, हैंगिंग लेग रेज। ये एक्सरसाइज भी लोअर एब्स के लिए बहुत अच्छी है, लोअर एब्स तेजी से बनते हैं। एक्सरसाइज नंबर 5, प्लैंक। ये एक्सरसाइज आपके पूरे पेट का फैट कम करती है, कोर भी मजबूत होता है, बॉडी पूरी प्रॉपर शेप में आती है। इसके 3 सेट लगाने हैं, हर सेट में 60 सेकंड तक रुकने की कोशिश करें। तो यहीं पे एब्स का वर्कआउट भी फिनिश होता है। इसके बाद हम इसी दिन करेंगे कार्डियो। कार्डियो में आपने ट्रेडमिल पर चलना है, 6 से 7 की स्पीड पर नॉर्मल वॉक करनी है, 15 से 20 मिनट तक। तो यहीं पे एब्स और कार्डियो वर्कआउट भी फिनिश होता है। इसके बाद थर्सडे को हम करेंगे आर्म्स वर्कआउट। एक्सरसाइज नंबर 1, बारबेल कर्ल।
ये एक्सरसाइज पूरे बाइसेप्स का साइज तेजी से बढ़ाती है, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज नंबर 2 प्रीचर कर्ल, ये एक्सरसाइज भी बहुत अच्छी है, इस एक्सरसाइज को कभी भी मिस ना करें। इसमें पूरी बॉडी लॉक हो जाती है, सिर्फ बाइसेप्स पर ही काम होता है, लॉन्ग गैड के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज नंबर 3 हैमर कर्ल, ये एक्सरसाइज आउटर बाइसेप्स को तेजी से बड़ा करती है, बाइसेप्स चौड़े बनते हैं। एक्सरसाइज नंबर 4 कंसंट्रेशन कर्ल, इस एक्सरसाइज से बाइसेप्स की पीक तेजी से बढ़ती है, बाइसेप्स का अंडर निकलता है। एक्सरसाइज नंबर 5 ओवरहेड ट्राइसेप्स एक्सटेंशन, ये एक्सरसाइज आपके ट्राइसेप्स का लॉन्ग हेड तेजी से बड़ा करती है। एक्सरसाइज नंबर 6 क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस, ये एक्सरसाइज भी ट्राइसेप्स का लॉन्ग हेड तेजी से बढ़ाती है, ये भी काफी अच्छी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज नंबर 7 ट्राइसेप्स पुश डाउन, इस एक्सरसाइज से ट्राइसेप्स में अच्छी कटिंग आती है और लेटरल पार्ट को तेजी से बड़ा करती है। एक्सरसाइज नंबर 8 बेंच डिप्स, इस एक्सरसाइज से पूरी ट्राइसेप्स का साइज बढ़ता है और पूरी ट्राइसेप्स शेप में आती है, बॉडी वेट एक्सरसाइज है, ये जरूर करें। और यहीं पे आर्म्स का वर्कआउट भी फिनिश होता है। अब बात करेंगे फ्राइडे यानी कि लेग्स के वर्कआउट की, जिसमें पहली एक्सरसाइज होगी बारबेल स्क्वाट्स। इस एक्सरसाइज से थाई का फ्रंट पार्ट यानी क्वाड्स मसल्स का साइज तेजी से बढ़ता है। एक्सरसाइज नंबर 2 लेग प्रेस, ये एक्सरसाइज भी क्वाड्स मसल्स का साइज तेजी से बढ़ाती है। एक्सरसाइज नंबर 3 लंजेस, ये एक्सरसाइज भी क्वाड्स और ग्लूट्स मसल्स के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसमें वॉकिंग लंजेस कर सकते हैं या एक जगह खड़े होकर भी कर सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर 4 लेइंग लेग कर्ल, थाई के पिछले पार्ट यानी कि हैमस्ट्रिंग के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज नंबर 5 लेग एक्सटेंशन, ये एक्सरसाइज थाई के फ्रंट पार्ट पर कटिंग बनाती है। एक्सरसाइज नंबर 6 काफ रेज, ये एक्सरसाइज काफ का साइज गेन करती है। तो फ्रेंड्स यहीं पे लेग्स का वर्कआउट भी फिनिश होता है, अब सैटरडे को करेंगे शोल्डर वर्कआउट। एक्सरसाइज नंबर 1 बारबेल प्रेस, ये एक्सरसाइज शोल्डर का एंटीरियर डेल्टॉइड पार्ट गेन करती है, फ्रंट शोल्डर के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज नंबर 2 डंबल प्रेस, ये एक्सरसाइज पूरे शोल्डर को राउंड बनाकर शोल्डर का साइज गेन करती है। एक्सरसाइज नंबर 3 डंबल साइड रेज, ये एक्सरसाइज शोल्डर के मिडल पार्ट को गेन करती है, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इससे बॉडी भी चौड़ी दिखती है। एक्सरसाइज नंबर 4 डंबल रिवर्स फ्लाई, इस एक्सरसाइज से पोस्टीरियर डेल्टॉइड का साइज बढ़ता है। एक्सरसाइज नंबर 5 अपराइट रो, इस एक्सरसाइज से ट्रैप्स का साइज तेजी से बढ़ता है और साइड शोल्डर भी ट्रेन होते हैं। एक्सरसाइज नंबर 6 डंबल शेक्स, इस एक्सरसाइज से अपर और लोअर फाइबर पार्ट ट्रेन होते हैं, इस एक्सरसाइज से कॉलर बड़े बनते हैं, ट्रैप्स अच्छे दिखते हैं, ट्रैप्स का साइज भी बढ़ता है और यहीं पे शोल्डर का वर्कआउट भी खत्म होता है और संडे को आपको लेना है रेस्ट। तो फ्रेंड्स ये है पूरे हफ्ते का साइज गेन वर्कआउट प्लान, वो इसके साथ ही अच्छी डाइट लें, 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लें, दिन में 7 से 8 गिलास पानी पिएं। इस तरह आप 3 महीने तक इस वर्कआउट प्लान को फॉलो करें और इन टिप्स को फॉलो करोगे तो आपको बहुत ही जल्दी और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो फ्रेंड्स ये थी वीडियो फुल वीक मसल गेन वर्कआउट प्लान की। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में नए वर्कआउट के साथ, नई जानकारी के साथ। टिल देन बाय।